अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा तीसरा क्लास है और हमारा आज है दिल्ली एग्रीमेंट। सिलेबस के हिसाब से तो आज हम दिल्ली एग्रीमेंट पे डिस्कस करता है। दिल्ली एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है बिटवीन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के बीच में यानी नेहरू एंड अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 26 जुलाई 1952 को। उसी को दिल्ली एग्रीमेंट से जाना जाता है कश्मीर हिस्ट्री में। ये एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें जम्मू कश्मीर एंड इंडिया के रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। क्या क्या कन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पर लागू होगा इंडिया का, ये सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो हम दिल्ली एग्रीमेंट में जाने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखता है, दिल्ली एग्रीमेंट का नौबत कैसे आया। तो हमने शुरू से ही दो क्लास में पढ़ा कि प्रजा परिषद का एजिटेशन तेज रफ्तार से जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जिनका एजिटेशन की वजह से तेज रफ्तार का एजिटेशन यहाँ बढ़ जाना, जिनका मेन डिमांड था जम्मू कश्मीर को कम्प्लीटली इंटेग्रेट किया जाए इंडिया गवर्नमेंट के साथ, इंडियन यूनियन के साथ। इस चीज़ का डिमांड प्रजा परिषद का तेज़ रफ्तार से बढ़ना, प्रोटेस्ट होना यहाँ आम था। इन्हीं दौरान जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इंडियन नेशनल फ्लैग को नहीं लहराया गया, जिसकी वजह से इंडिया के नेशनल फ्लैग को न लहराने की वजह से स्टूडेंट्स जो प्रजा परिषद की गाइडलाइंस में चल रहे थे, उन स्टूडेंट्स ने डिमोनस्ट्रेशन प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और उनके कई लीडर्स को जब डिमोनस्ट्रेशन प्रोटेस्ट किया तो कई लीडर्स को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, तो डिटेंशन में लिया गया। तो वहाँ सडनली दिल्ली से इंटरफेयर की वजह से बैकडोर से उनको छोड़ रहा था, यहाँ अब्दुल्ला अरेस्ट कर रहा था, बैकडोर से दिल्ली के इंटरफेयर की वजह से उनको रिहा कर रहा था, जिसकी वजह से अब्दुल्ला परेशान था कि किस तरह दिल्ली के इंटरफेयर को कम किया जाए, किस तरह इंडिया और दिल्ली, किस तरह दिल्ली और जम्मू कश्मीर का रिलेशन को डिफाइन किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए। इन्हीं दौरान सबसे बड़ा चैलेंज तब हुआ जब शमी प्रसाद मुखर्जी इंडिया के जो एक अपोजिशन लीडिंग पार्टी से था, भारत जन संघ से, तो इस शमी प्रसाद मुखर्जी ने जो जो इस प्रजा परिषद के मुद्दे को नेशनल लेवल पे लेना शुरू किया और बार बार दिल्ली की हवा दिल्ली के इंटरफेयर की तरफ दिल्ली की तरफ लेना शुरू किया, जिसकी वजह से डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर हो रहा था। इसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम हुआ जब प्रजा परिषद के एक मेमोरेंडम, प्रजा परिषद वालों ने इंडिया की प्रेसिडेंट के अंदर एक मेमोरेंडम सबमिट करता है जिसमें लिखता है जम्मू कश्मीर को कम्प्लीटली मर्ज किया जाए और जम्मू कश्मीर में एक ही विधान, एक ही निशान और एक ही प्रधान रहे, यानी एक प्राइम मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक फ्लैग रहे। इस चीज़ का डिमांड करके वहाँ प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास एक मेमोरेंडम सबमिट करता है। तो इस मेमोरेंडम के साथ सबमिट करने के बाद ये प्रजा परिषद वाले प्रेजेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट रैलीज निकालता है, एजिटेशन करता है, खासकर शमी प्रसाद मुखर्जी की लहर में आके शमी प्रसाद मुखर्जी उनको मॉनिटर करता है। तो उन्हीं दौरान जो है दिल्ली सरकार एक इनविटेशन भेजता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कि दिल्ली की तरफ आने का एक इनविटेशन भेजता है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली में अब्दुल्ला एंड नेहरू के बीच में 26 जुलाई को एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया की कौन कौन सी कंसेशन लागू होगा, क्या क्या जम्मू कश्मीर के ऊपर जो लागू होगा, किस तरह जम्मू कश्मीर और इंडिया का रिलेशन होगा, क्या होगा उनके भी सारा कुछ डिफाइन करने के लिए एक सारा कुछ डिफाइन किया गया एक बड़े सा एग्रीमेंट में। उसी को कश्मीर हिस्ट्री में दिल्ली एग्रीमेंट कहा जाता है। इस दिल्ली एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ डिफाइन किया हुआ है। अब हम इस कम समय में इस क्लास में निपटाना चाहता हूँ, तो 4-5 फीचर पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन 4-5 फीचर को आप थोड़ा सा देख लेना, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम 4-5 ऐसे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है इस क्लास में। तो अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ उसमें कई फीचर्स था, उनमें से एक पहला फीचर हम अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहला फीचर यहाँ ये लिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सॉवरीन है सारे मैटर्स में, सारे डिसीजन में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सॉवरीन है, एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो साइन हुआ स्पेसिफिक जो चीज उनको छोड़ के बाकी सारे मैटर में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सॉवरीन है। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो आपको पता है शुरू से ही 1947 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरी सिंह एंड दिल्ली के बीच में, फिर से नेहरू के बीच में, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक टेम्प्रेरी बेस पे जोड़ा गया था इंडिया के साथ, जब कश्मीर में ट्राइबल अटैक हुआ था उन्हीं दौरान 1947 में। उसमें कई तीन चीज़ों का, खासकर तीन चीज़ों का जिक्र किया हुआ था। ये तीन चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी जो है रेस्ट ऑफ द, और वो तीन चीज़
विल ऑफ द पीपल के हिसाब से देखा जाएगा, बाद में चेंज किया जाएगा, सारा कुछ उसमें डिस्कस है। हम उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इतना कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेसिफाइड किया हुआ है उनको छोड़ के बाकी सारे मैटर में जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सॉवरीन है, ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि पहले इस मुद्दे पर यही चीज डिस्कस किया हुआ है पहले ही फ्यूचर में। उसके बाद दूसरा मसला ये था, यहाँ दूसरा फीचर ये था, दोनों गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट इस बात पे एग्री होता है, इस बात पे एग्री हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में जो सिटीजनशिप का रोल है, यही सेम कंडीशन जम्मू कश्मीर जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनको भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया माना जाएगा, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा फर्दर इसमें एड करके कहता है कि इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक स्पेशल राइट है, एक स्पेशल स्पेसिफिक राइट है जो अपना एक आइडेंटिटी सिटीजनशिप रख सकता है और बना सकता है अपना सिटीजनशिप, उसमें मॉडिफाई करना बाकी चीज करना ये सारा अधिकार जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास है। जो जम्मू कश्मीर सिटीजनशिप एक्ट यानी जम्मू कश्मीर स्टेट सब्जेक्ट एक्ट 1927 और 1932 के नॉट फिक्शन के मुताबिक इसमें जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अधिकार है कि वो सिटीजनशिप को मॉडिफाई करे या सिटीजनशिप को बनाया जाए। ये जो डोगरा के टाइम में 1927 और 1932 के बीच में जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो पास हुआ था उसके तहरी उसके गाइडेंस में ही जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो है एक अधिकार दिया जाता है कि खुद अपना एक सिटीजनशिप खुद एक अपना एक स्टेट सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सके, इसका भी अधिकार दिया जाता है। उसके बाद इसमें और एक फीचर ऐड हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पावर है, यानी इतना पावर है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खुद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को लॉज बना सकता है। और खासकर इस फ्यूचर में ये ऐड किया जाता है ज्यूरिंग द पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान या कम्युनल डिस्टर्बेंस के दौरान कुछ लोग जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चले गए हो और वो फिर से वापस आके जम्मू कश्मीर में बसना चाहते हो तो उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट या उनके लिए कौन सा लॉ होगा क्या होगा ये सारा चीज पावर जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पावर है कि जो वापस वो लोग आके फिर से बसना चाहते हैं पाकिस्तान गया हुआ जो 1947 के पार्टीशन के दौरान या कम्युनल डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी और वजह से तो उनको अगर वापस आके यहाँ बसना चाहता है तो उनके लिए क्या सिटीजनशिप होगा क्या होगा सारा कुछ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पावर है, ये इसमें और एक डिफाइन किया गया। इसके अलावा यहाँ एक और फ्यूचर डिफाइन किया गया, इंडिया की प्रेसिडेंट का सारा कमांड यानी सारा हुक्म जम्मू एंड कश्मीर पे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू होगा इंडिया की प्रेसिडेंट का सारा हुक्म। उसमें फर्दर इन्होंने क्लियर कट कहा कि इंडिया की प्रेसिडेंट का सारे बातों का रेस्पेक्ट किया जाएगा, हुक्म का रेस्पेक्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर में जो बाकी इंडिया के स्टेट में किया जाता है सेम इसी तरह रेस्पेक्ट किया जाएगा। इसको फर्दर एलोबरेट करके कहा आर्टिकल 52 से 62 जिसमें प्रेसिडेंट का अगर रूल्स वगैरह प्रेसिडेंट्स का जो है पावर पोजीशन वगैरह के जो जिक्र किया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में वो सारा चीज़ जम्मू कश्मीर में रेस्पेक्ट किया जाएगा, उन सारा चीज़ को लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर में भी सेम जो इंडिया के बाकी स्टेट की तरह बाकी स्टेट में जो लागू हो जाता है सेम रेस्पेक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ तक नहीं रहा, इसको फर्दर एलोबरेट करके कहता है कि पावर जो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होता है जिनमें रिमिशन होता है जिनमें डेथ सेंटेंस को लेकर रिमिशन होता है या पैरडॉन वगैरह टाइटल्स वगैरह ये सारा कुछ जम्मू कश्मीर पे लागू होगा, ये सारा कुछ जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा। और इसका हमें सिंपल बात अब हमारा देखा जाए अफजल गुरु के केस में आप खुद देख सकते हो, प्रेसिडेंट पहले प्रणब मुखर्जी के टाइम में इसको रिमिशन किया गया, बाद में सॉरी पहले जो है आपका अब्दुल कलाम के टाइम में इसको रिमिशन किया गया, बाद में प्रणब मुखर्जी के टाइम में फिर से डेथ सेंटेंस सुनाया गया। तो ये सारा पावर जो है जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट के पास होगा इंडिया का, ये चीज़ भी डिस्कस किया गया, उसके सेम रेस्पेक्ट होगा। उसके अलावा यहाँ और एक चीज़ ऐड किया गया, ये अलग सा एक फीचर था ये कि कहता है जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक नेशनल फ्लैग होगा, यानी एक अलग सा फ्लैग होगा जम्मू एंड कश्मीर के अपना सा, साथ साथ इंडिया के नेशनल फ्लैग भी जम्मू कश्मीर में सेम स्टेटस सेम पोजीशन में होगा, यानी अपना एक नेशनल फ्लैग होगा उसके साथ साथ इंडिया की फ्लैग भी जम्मू कश्मीर में होगा, दोनों का सेम स्टेटस सेम पोजीशन होगा, इसमें कोई तनाजात वगैरह नहीं होगा, जैसे सेम रेस्पेक्ट किया जाता है इंडिया की नेशनल फ्लैग का इंडिया के बाकी स्टेट में सेम जम्मू एंड कश्मीर में वही रेस्पेक्ट किया जाएगा इस फ्लैग का, ये क्लियरली इसमें मेंशन किया गया।
इसके अलावा फर्दर जो है यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो हम इस कम समय में ऑनलाइन क्लास में 4-5 फीचर पे डिस्कस किया गया, और इसका मेन बैकग्राउंड तब हुआ जब यहाँ पे प्रोटेस्ट रिलीज तेज हुआ प्राजा परिषद का, और दिल्ली सरकार और जम्मू कश्मीर का रिलेशन को डिफाइन नहीं हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप देने के लिए दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें क्लियरली दिल्ली एग्रीमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसके कई चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों में जम्मू एंड कश्मीर को फुली फ्री रखा था, फ्री हैंड था। बट लेटर आप खुद को पता है कि दिल्ली एग्रीमेंट का किस तरह एब्रोगेट हो जाता है कि अब्दुल्ला के डिसमिसल के बाद। तो ये सारा कुछ रिलेवेंट है, जो कल का 2-3 क्लास और आज का जो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है, रिलेवेंट है ये सारा क्लास। तो यही है दिल्ली एग्रीमेंट, इसके अलावा बहुत सारे फीचर है आप देख सकते हो, कुछ आसानी से कोई मसला नहीं है, इसमें सोर्स अवेलेबल है इन सारी चीज़ों में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।